नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आप देख रहे हैं होल सॉल्यूशन चैनल को। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईफोन का डाटा एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे लें। ठीक है, आईफोन का डाटा एंड्रॉयड फ़ोन में आपको लेना है आसान तरीके से, इजी तरीके से। अगर आप कोई भी चाहते हो कि अभी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है आईफोन से, और आप एंड्रॉयड में लेना चाहते हो, कितने भी जीबी का डाटा हो, आप आसानी से इस मोबाइल के अंदर ले सकते हो बिना कुछ एक्सटेंडर के, बिना कुछ ब्लूटूथ वगैरह कुछ आपको यूज़ नहीं करना है। जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको करते जाना है, आपका जो है इसका डाटा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आईफोन का डाटा एंड्रॉयड में आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है गाइस, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी तरीका है, आप खुद कर सकते हो घर पर बैठ के। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर आईफोन में क्रोम ब्राउज़र नहीं हो तो सफारी के अंदर आप गूगल ऐप ओपन कर सकते हो, यानी कि गूगल ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, परेशानी होगी गूगल। ठीक है गाइस, आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है गाइस, दोनों मोबाइल में आपको गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है airdrop.net। ठीक है, इसके अंदर भी आपको airdrop.net को आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट को, और इसको भी कर लेना है। ठीक है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपका जो, अगर आप सोच रहे हो कि कैसे आएगा इसका डाटा इसके अंदर, और अगर आप लेना इसका डाटा भी इसके अंदर लेना चाहते हो ना, तो भी आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, दोनों के अंदर नेट होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, या फिर आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों तरीके अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है, नीचे आ जाना है। नीचे फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है उसको आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको वर्क नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे आपको दिख रही है ना दोनों, ये वेबसाइट, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको आसानी तरीके से इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको इसका डाटा इसके अंदर लेना है, तो आपको क्या कर लेना है, इसका जो यहाँ पे ये ऊपर लिंक वाले ऑप्शन पे दबाना है, और इसको भी यहाँ पे दबा देना है। ठीक है, और इसका जो कोड है इसके अंदर डालना है। ठीक है, आईफोन के अंदर डालना है, इसका ये जो कोड आ रहा है ना ये आईफोन के अंदर डालना है। ठीक है, ठीक है, डाल दिया और ऑटोमेटिक ये पेयर हो चुका है। ठीक है, जैसे कनेक्ट होगा और इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाएगा, दोनों मोबाइल के आपको आ जाएगा, इसके अंदर आईफोन का या इसके अंदर एंड्रॉइड का आएगा। ठीक है, अगर आपको एंड्रॉइड का डाटा इसके अंदर लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके आसान तरीके से, और यहाँ से आप कोई भी मीडिया फाइल या फोटो वगैरह, या फोटो है तो ये फोटो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये देख सकते हो फोटो आ रहा है, इतनी जल्दी आ रहा है। और आप वीडियो वगैरह आप कुछ भी लेना चाहते हो आसान तरीके से, किसी के भी मोबाइल से अगर आप खींचते हो फोटो आईफोन से, तो आप आईफोन से इसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर ले सकते हो। अभी तो मैंने एंड्रॉइड के आईफोन के अंदर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। ये आपको गैलरी के अंदर जो है सेव हो गया। ठीक है, और अब आपको क्या कर लेना है, आईफोन में चले जाना है, आईफोन में फ़ोटो है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी एक मोबाइल का फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर एक्सेप्ट कर लेना है, और ये देखो फोटो आ भी गया है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। डाउनलोड करके डिटेल भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पूरा फोटो आ चुका है, स्क्रीनशॉट है ये, तो पूरा एकदम HD आ चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो है इसका डाटा इसके अंदर ले सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही हेल्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।